वर्ष 2018 में भगवान चाहते थे कि भाजपा का कार्यकर्ता आराम करे और कांग्रेस का असली चेहरा जनता के बीच आए। बैसाखी के दम पर बनी कांग्रेस सरकार 15 महीने में सिर्फ तबादला उद्योग ही चला पाई। यह आरोप सीएम पुत्र कार्तिक के सिंह ने इंदौर में लगाए। वे विधायक आकाश विजयवर्गीय द्वारा आयोजित युवा कुंभ 2021 में बोल रहे थे। उनका दीपक राजौरिया मित्र मंडल के तत्वावधान में पहले राजनीतिक दौरे पर मूसाखेड़ी क्षेत्र में ऐतिहासिक स्वागत किया गया। आपको बता दें कि वैसे तो कार्तिकेय सिंह चौहान कई बार इंदौर आ चुके हैं, लेकिन वे किसी राजनीतिक दौरे या कार्यक्रम में पहली बार इंदौर आए थे। यह कार्यक्रम अभय प्रशाल में हुआ। बड़ी संख्या में लोग कार्तिकेय को सुनने के लिए इकट्ठा हो गए थे। आयोजक दीपक राजौरिया ने कार्तिकेय के मूसाखेड़ी पहुंचने पर ढोल ताशों और आतिशबाजी के साथ स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में जनता बुरी तरह परेशान रही। आभार आयोजक दीपक राजौरिया ने माना। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर की रिपोर्ट। जीवन में लोग इतना व्यस्त हो जाते हैं अपने अपने जीवन में कि अपने माता पिता को भी भूल जाते हैं, लेकिन बुजुर्ग माता पिता की चिंता उनके बेटे करें ना करें। उनका एक बेटा है जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जो उनको तीर्थ दर्शन कराने का काम जरूर करता है। सैकड़ों योजनाएं बनाई, किसानों के लिए योजना बनाई, मजदूरों के लिए योजना बनाई, संबल जैसी योजना बनाई, अलग अलग वर्गों के लिए हमने काम करने का प्रयास किया। लेकिन 2018 में, अब भाई मैं समझता नहीं 2018 से लेकर 2020 न जाने कैसा साल था। 2018 में भगवान को कुछ और मंजूर था, शायद भगवान ये चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थोड़ा आराम कर ले, थोड़ा विपक्ष में बैठ जाए, जहां जनता देखे तो कि कांग्रेस का असली चेहरा क्या है। 2018 के बाद तख्ता पलट हुआ। अच्छा, तख्ता पलट भी हुआ तो कांग्रेस की खुद के दम पर सरकार बनी थी क्या? 114 सीटें आई थी बैसाखी के दम पे, माननीय कमलनाथ जी ने सरकार बनाई थी। जब सरकार बनी तो सबको लगा कि अब ये हमारी उम्मीदें पूरी करेंगे, हमारे जो विश्वास पत्र में उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे अब वो पूरे करेंगे, हम सबकी जीवन में खुशहाली आएगी, हमारा कर्जा माफ होगा, हमारे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, तरह तरह की चीजों की बात करें। लेकिन 15 महीने में ये जनता ने देख लिया कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया। एक काम मध्य प्रदेश में ढंग का होता था, वो है तबादला उद्योग। इससे पैसे लो, उसका ट्रांसफर कर दो, किसी ने 5 दे दिए तो उसका ट्रांसफर कर दिया, और किसी ने 10 दे दिए तो उसको हटा के 10 वाले का ट्रांसफर कर दिया। मध्य प्रदेश में तबादला उद्योग चला के रखा। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। 15 महीने टिक पाए और भगवान नहीं बोल दिया कि अब बस इनसे काम नहीं होगा, इनको देखने तक इनको हटाकर दबाओ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।